आर्टिकल 370 में दो ही चीजें बची थी, एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, मतलब वहां के स्टेट आईएएस आईपीएस तो कर सकता था लेकिन बाकी मुलाजम नहीं कर सकता, और वहां जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन आज के ग्रामीण बैंकों में बाहर के लोग आ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। सर क्यों नहीं बाहर का कर सकता था? कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई आसमान से जम्मू कश्मीर उतरा था तो वहां कोई जा नहीं सकते और जम्मू कश्मीर वाले पूरे हिंदुस्तान में जा सकते। सर ये आज के जमाने नहीं थे, महाराजा हरि सिंह के जमाने से था, 1925 आजादी से कई साल पहले। उसका कारण है, मैं कह चुका हूं इस सदन में, कि जम्मू कश्मीर में या तो पहाड़ है या फॉरेस्ट, जमीन न होने के बारे में न होने के बराबर है। मेरे बहुत सारे साथी जब यूटी बनी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि हम जमीन वहां खरीदेंगे, बहुत सस्ती होगी। मैंने कहा मैं तो नहीं खरीद पाया, आप खरीदो। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपको कि वहां जमीन सिर्फ कश्मीर जम्मू कश्मीर वाले खरीद सकते हैं, तो आप एकड़ों की जमीन से। मैंने कहा जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में आपको मालूम है जमीन एकड़ पर एकड़ क्या है? कहा नहीं होगी 30-40 लाख। मैंने कहा 30-40 नहीं, 40-50 करोड़, 40-50 करोड़ की एक एकड़ जमीन आपको जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में मिलेगी, क्योंकि जमीन नहीं है, हमारी सब जमीन फॉरेस्ट और पहाड़ है। तो थोड़ी सी जमीन है, तो महाराजा हरि सिंह ने उसको इसलिए नहीं रखा था कि जमीन ही नहीं है, तो अगर ये जमीन कोई बाहर वाला ले जाएगा तो ये कहां जाएंगे, ये क्या खाएंगे। इसी तरह से नौकरी क्यों बाहर वाला ये प्रोविजन रखा गया था कि नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आखिरी हिस्सा जहां हिंदुस्तान खत्म होता या हिंदुस्तान जहां से शुरू होता, एक तरफ फिर पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है, तो इतना दूर जहां रेल की अभी कश्मीर तक सुविधा नहीं है पहुंचने की, गाड़ियों में जो माल जाता है तो सबसे महंगा बना हुआ गुजरात से जाएगा, तमिलनाडु से जाएगा, बंबई से जाएगा, ट्रेन जहां तक है वहां तक तो ठीक है भाड़ा में, वहां से ट्रकों में जाना है तो इसलिए महंगा डबल हो जाता। वहां कोई उद्योग नहीं बना अनसर्टेनिटी की वजह से, दुर्भाग्य है कोई बड़ा उद्योग नहीं है, ये छोटे छोटे उद्योग जो मैंने ये 12,000 गिने, ये 12,000 उद्योग सर ये एंसिलरी होंगी किसी एक उद्योग के गुजरात के या बंबई वाले के, जिनमें बेचारे 10-12 लोग काम करते हैं, ये छोटे छोटे उद्योग, इन्हीं पे हम गुजारा करते हैं, बड़ा उद्योग नहीं। जब बड़ा उद्योग नहीं है तो नौकरी नहीं है, तो इसलिए वहां जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक उद्योग के तौर पे काम करते हैं, वहां कोई उद्योग नहीं है तो यही एक उद्योग। अगर उद्योग नहीं होता तो एमफिल पढ़ा हुआ लड़का कश्मीर का और जम्मू का, पीएचडी करा हुआ लड़का जिसके दो बच्चे हो, 3,000 लड़के ये 3,000 रुपए पे 7 साल काम करते नहीं करते। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर, माननीय लोग इस समय पहले खत्म हो चुका है, समय बहुत पहले खत्म, मैं 2-3 मिनट में खत्म। और जब से स्टेटहुड विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बनी और स्टेटहुड खत्म हो गई, एक तो स्टेट के नक्शे से हिंदुस्तान के उड़ गई, यूनियन टेरिटरी बन गई, वो तो अलग बात, लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर जो एक बेस बनाई गई थी कि ये कारण है यूटी बनाने के। मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज आती हैं, बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है, उसके कारण है क्योंकि वहां सफल नहीं रहती है इंडस्ट्री, 6 महीने तो विंटर होता है, दूर भी है। लेकिन अधिकतर हमारी जो जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन 10 डिस्ट्रिक्टों में 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब के साथ लगे हैं, कठुआ सांबा और जम्मू, अधिकतर तो
कठुआ में, थोड़ा फिर सांबा में और थोड़ी सी जम्मू। तो बाकी सात डिस्ट्रिक्टों में कोई उद्योग लगाता नहीं है, दूर है जम्मू से, और रेल नहीं है, नॉर्मली रेल हेड पर लोग उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के आंकड़े बताता हूं, नया उद्योग कोई नहीं आया माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन इन दो सालों में टोटल संख्या जम्मू प्रोविंस में उद्योगों की 12,997, तकरीबन तीन कम है 13,000 उद्योगों, और इनमें चल कितने रहे आज 5,890, और बंद कितने हुए 7,107। तो 60% माननीय गृह मंत्री जी उद्योग बंद हो गए, नया आया नहीं। तो ये तर्क कहां, उसका मतलब है वो तर्क जो दिया गया था कि हम यूटी बनाएंगे, बाहर से आएंगे। मैं ये कहता हूं ये सब बाहर के थे, ये कोई पंजाब के थे, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई बंबई का था। तो यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं, यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है, इंसेंटिव्स खत्म किए गए। फिर ये जो एक डेढ़ साल से 5 अगस्त 18 से जो गतिरोध बनता रहा तो लोग भागी गए क्लोज। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ठीक नहीं था। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं। टेलीविजन में हो सकता, लेकिन रोड पे कोई डेवलपमेंट नहीं। सड़कों की कंडीशन बहुत खराब, यहां तक मैं नेशनल हाईवे का जिक्र कर रहा था कल, एम्प्लॉयमेंट तो भयंकर बढ़ गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के क्या रीजन, तीन चार रीजन। कश्मीर का अलग रीजन है, जम्मू का अलग रीजन है। कश्मीर का अलग रीजन है कि 5 अगस्त जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद कई महीनों तक पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर बंद रहा, एक तरीके की कर्फ्यू की स्थिति रही, उसके बाद कोविड आया, तो नतीजा यह हुआ कि टूरिज्म शून्य के बराबर हुआ, नतीजा ये हुआ कि हैंडीक्राफ्ट शून्य के बराबर हुआ, दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स वो जम्मू में भी बंद हो गए, कश्मीर में भी बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहे, और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उसमें भी जिन टीचरों को तनख्वाह मिलती थी वो भी बंद हो गई। तो जो एम्प्लॉयड थे वो भी और अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, वो तो बंद हो ही, लेकिन जो दूसरा तिजारत के जरिए पैसा मिलता था लोगों को तिजारत करने से, वो भी नहीं मिल रहा। तो अभी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हर लेवल पे कई गुना बढ़ गई कि जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी आप स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करें, स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला खराब होगा। मैं अलग से वो आपको बात करूंगा किसी वक्त बैठ के, उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या नतीजे निकलेंगे, यहाँ वो नेगेटिव चीज़ें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छा भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। इन चीज़ों का मैं परसों यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट, जिस तरह का टेंशन और जिस तरह का हमारा दुश्मन दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से, वह हमारे सर पे बैठा हुआ है, तो कोई भी अकलमंद आदमी यही कहे, सरकार यही करेगी कि कम से कम उनसे तो निपटते रहेंगे, लेकिन यहाँ के अपने देश के लोग जो बॉर्डर पे हैं वो तो हमारे साथ पीछे खड़े रहे, जिस तरह से आज तक खड़े रहे, जिस तरह से 1947 में कश्मीर के लोग खड़े रहे, जब तक फौज बाद में पहुंची 27 अक्टूबर को, लेकिन तब तक 20 दिन तो कश्मीर के लोगों ने, मैं आपको भेजूंगा, मुझे एक बुक किताब मिली तब की, जिसमें, और पहली दफा मैंने देखा, जिसमें लड़कों की अगली ये ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को,
बंदूक में 3-3 not 3। मैंने पहली दफा शायद हिंदुस्तान में कैसा नहीं हुआ वो उस बुक में, औरतों की एक मलेशिया बनाई गई, उनको वो उनकी बंदूकें हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि ये जो रजाकार आ रहे हैं उनको रजाकार कह रहे हैं, उधर से पाकिस्तान को उनको फायर कैसे करना, मोहल्ले मोहल्ले की कमेटी बनाई। तो उन 15-20 दिन तो उन बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने ही पाकिस्तान की फौज को तो रोका। तो उससे बड़ा टेस्ट क्या होता था जबकि मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए थे, वो सब जाते उनके साथ मिल जाते, उनके साथ नहीं मिले, उनका हमला, उनके साथ हमला किया, सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने कश्मीर के लोगों को, लेकिन उनके पास। तो ये छोटी छोटी बातों को नहीं रखना है, बड़े इतिहास को हमने देखना है। और जम्मू कश्मीर के हम हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध एक रहे आज तक और हमेशा एक रहेंगे। राजनीति में सबको मौका मिलता है, कोई पीछे नहीं है, उसमें कोई ये नहीं कहेगा। और हमारी, मुझे गौरव है हमारी स्टेट का, हमारी स्टेट का मुझे गौरव है, और हिंदुस्तान के सब स्टेटों को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। मेजॉरिटी मुस्लिम होकर भी हमारे कई दशक हुए मुसलमान डीजी को हुए, हमारे कई दशक हुए मुसलमान चीफ सेक्रेटरी को, शायद मैं तब पढ़ता था। हमारे 80% जब गवर्नमेंट भी होती है मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं, 70% हमारे ऑफिसर्स नॉन मुस्लिम होते हैं। मैंने आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा मुझसे लेकर, और ये कहते हैं शेख, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका चीफ सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका डीजीपी हिंदू ना हो, जिसके आधे से ज्यादा 2/3 ऑफिसर जो हैं चाहे वो डीसीज और एसपीज वो हिंदू ना हो। हमारे ये नहीं है, कभी हमने नहीं सोचा। इसलिए मैं आखिर में एक ही शेर आपसे कहता हूं कि ये आप जो तजर्बा कर रहे हैं, जो हमको गिनी पिग बनाया जा रहा है, ये गिनी पिग पे तजर्बे बंद कर दे। बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पे पहुंच गए हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि आजकल वैक्सीन का, एक मिनट, वैक्सीन की बात चल रही है, तो मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा, तो वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दिया जाता है? माइस, चूहे की, उसके बाद दिया जाता है बंदर को, उसके बाद फिर टेस्ट करने के लिए आदमी पर टेस्ट होता। तो यहां तो चूहा भी हम ही बन रहे हैं, बंदर भी हम ही बन रहे हैं। सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है, तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग से हमें बचाइए। और इस शेर से, एक रात से, ये गृह मंत्री जी के लिए शेर, एक रात से, अब रात नहीं है, अब शेर, शेर शायर ने बताया है रात, तो उसका कोई दूसरा किस्सा होगा रात वाला, शेर शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहां तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, लेकिन शेर जो है वो समझ जाएंगे गृह मंत्री जी। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है, एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी उसके बारे में बताता हूं, एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है, हमने आज तक चरागों को जला रखा है। कि हम तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो इसलिए अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए, उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में, ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम समाधाएं, हमारा